दीदी। जय बाबा भोलेनाथ। आप आ गए? मैं आ गया कोयल। कहाँ चले गए थे आप? बाबूजी, अरे बाबूजी। बेटा घोटे, सबसे पहले तू कोयल को कुछ खिला दे बेटा। तुझे मालूम है तेरे जाने के बाद से इसने एक घूंट पानी तक नहीं पिया है। मुझे विश्वास था अपने भोलेनाथ पर कि वो आपको मेरे पास जरूर भेजेंगे, पर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? हाँ, मैं बहुत डर गया था कोयल। सच्चाई बताने के बाद उसका सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। हार पाकर तुम कितना खुश थी, वो खुशी तुमसे छीन जाएगी ये सोचकर मैं घबरा गया था। और उसके बाद एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती गई, और घर से भाग जाने के अलावा मुझे कुछ सूझा ही नहीं। कोयल, किस हार की बात कर रहे हैं आप? जानते हैं ना, मेरे लिए तो मेरा गहना आप ही हैं। और अगर आप ही मेरे साथ नहीं रहेंगे तो उन कांच के टुकड़ों का क्या करूंगी मैं? मुझे माफ कर दो कोयल, मुझे माफ कर दो। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तूने अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा कि उन पर क्या गुजरेगी? तेरे बूढ़े बाप पर क्या गुजरेगी? मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, बस मुझे माफ कर दीजिए बस। भैया, ब्रैकेट ओपन। पुलिस? अब नहीं भागूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, चलो माफ किया, लेकिन फिर कभी मत भागना। माफ कर दिया? पहली बार इतना दयालु इंस्पेक्टर देख रहा हूँ, लेकिन इतनी जल्दी क्यों माफ कर दिया? अरे अरे, आप शांत हो जाइए, आप बिना बात के ही घबरा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही आपके सर पर कोई गबन का इल्जाम है। सच? हाँ। इल्जाम नहीं है? हाँ। तो फिर ये पुलिस मेरे पीछे विदाउट रिजर्वेशन पैसेंजर की तरह क्यों पड़ी हुई है? बेटा,
ये पुलिस तेरे पीछे थोड़ी पड़ी थी, ये तो तुझे ढूंढ रही थी, क्योंकि हमने तेरे गुमशुदा होने की रिपोर्ट जो लिखवाई थी थाने में। और बेटा तुझे मालूम है, ये गोमू को मयूरी ने अपने हार के पैसे देकर तेरे सरकारी पैसे चुकाए हैं। क्यों गोमू? थैंक यू मयूरी, तुम बहुत अच्छी हो मयूरी कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। भैया फुल स्टॉप। भैया इस डायलॉग पे मेरा कॉपीराइट है, आप नहीं बोल सकते। बात तो आपकी सही है कोटक बेटा, देख लिया ना एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। बाबूजी पिछले महीने के तीसरे हफ्ते का मुहावरा डॉट 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 डॉट। हाँ, और अब अगले हफ्ते का मुहावरा भी सुन ले बेटा, आदमी को उतने ही पांव फैलाने चाहिए जितनी बड़ी उसकी चादर हो। बाबूजी अब तो चादर छोटी हो या बड़ी, मैं तो पैर फैलाऊंगा ही नहीं। और एक बात याद रखना, पत्नी कितना भी श्रृंगार कर ले, कितने भी जेवर पहन ले, लेकिन पत्नी का असली जेवर उसका पति होता है। बोल भोलेनाथ की जय। मेंढक प्रसाद, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जो वजन कम करने में मदद करती है। ये जड़ी बूटियां अपने कपी भैया को अच्छे से कूट के देना, इससे उसका वजन कम होगा, समझा? समझ गए भाभी। वेरी गुड, तब तक मयूरी किचन में जाके कुछ खाना बना लेगी। बाबूजी हम कपी भैया को कूट रहे। अबे गधे के भाई मेंढक, अबे आंख के अंधे नाम नैनसुख, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि तू उसे कूट रहा है, पर बेटा क्यों क्यों कूट रहा है उसे? क्योंकि बाबूजी मयूरी भाभी ने कहा था कि जो जड़ी बूटी ना कपी भैया को कूट कर देना, इसलिए कूट रहे थे। अरियो अरियो, अबे मयूरी भाभी ने कहा होगा ये जड़ी बूटियां अच्छे से कूट कूट कर फिर कपी भैया को देना, और तू कपी भैया को कूटने लग गया। तू जा अंदर जा, चल। बेटा कपी अपना काम खुद किया कर, वरना तेरा वजन 2 या 4 किलो कम होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, 2-4 दांत तेरे जरूर कम हो जाएंगे। हाँ मैं बाजार जा रहा हूं, ध्यान रखना। क्यों भैया टेंशन डाइट कर? कपी मेरे भाई, आज तेरे वजन घटाओ अभियान को शुरू हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। फुल स्टॉप।
देख तेरे लिए क्या लेकर आया हूं। केले? हाँ, एक या दो नहीं, पूरे 101 केले, एक्सक्लेमेशन मार्क। शर्त याद है ना? क्वेश्चन मार्क। भैया इसका मतलब आप मान गए ना, टेंशन टाइट, कपी हो गया लाइट। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, फुल स्टॉप, अभी माना नहीं, डॉट 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 डॉट। कपी, ये केले तुझे तेरा वजन होने के बाद मिलेंगे, वो भी अगर तेरा वजन 75 से 70 हो गया होगा तो, डॉट 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 डॉट। भैया पता है, एक महीने में मैंने इतनी एक्सरसाइज की कि मैं आपको बता नहीं सकता। डंड पहले, पुशअप्स मारे, बिना तेल घी का खाना खाया मैंने। इस हिसाब से कम 10 किलो कम हो गया होगा। कपी मेरे भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, डॉट डॉट डॉट। अरे 1.5 साल पहले का मुहावरा, चल चल चल। देखो भैया देखो, 10 किलो 10, मेरी मेहनत का नतीजा। अरे नहीं, नहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। अरे इतनी मेहनत की मैंने, मतलब दिन रात एक कर दिया, और ये एक बार और ट्राई कर ले। हाँ, भैया मुझे लगता है ना ये मशीन खराब है। हाँ अच्छा, जब हम लोग वजन करते हैं तब मशीन ठीक होती है, डॉट 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 डॉट। तू करता है तो मशीन खराब है, हो गई होगी। भाई मेरे, तूने तो कहा था 1 महीने में 5 किलो वजन कम करके दिखाएगा, ये तो 7 किलो बढ़ गया, डॉट 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 डॉट। भैया अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 82 से 85, 85 से 95, उसके बाद एक मोटी सी वाइफ, डॉट 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 डॉट। ऐसा नहीं हो सकता। हरि ओम हरि ओम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।